कितने साल पहले ये आपने घर बनाया था और क्या सोचकर बनाया था? रात में ड्यूटी देता हूँ मैं। अच्छा, वो जानवर आते हैं, जंगली जानवर सुअर हैं, वो आते हैं, हमला भी कर देते हैं, बचा के मतलब ये बनाना पड़ता है। पिछले कितने सालों से इसमें रह रहे हो? मतलब 4 साल मुझे हो गए। कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? क्या था ऐसा, मतलब लग गए 2 दिन लगे थे। किस चीज की चौकी चौकीदारी? मतलब एक पेड़ बूटा है हमारे, कोई तार बंद नहीं खोले, कोई जानवर नहीं अंदर नहीं आया इसमें, जिस करके एक मिसाल ये भी बनया कर, बड़ा सुकून हैगा, कल्ले हैगे, हालांकि कोई स्मार्टफोन नहीं है ना कोल हैगा, ना कोई टीवी लग्या होया। यहाँ से शहर की तरफ जाते हो सामान लेने, तो इसमें और उसमें क्या अंतर लगता है? जब जाते हैं तो धूप लगती है, यहाँ रहते हैं ठंड लगती है। 6.5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज पेड़ों पर राज करते थे, तो उसके बाद कोई ऐसे बोलता नहीं है? फिल्म के एक्टर भी आते हैं मेरे पास। कौन से फिल्म के एक्टर आए? साली घुमाते रहे, मतलब यहाँ नाच डांस करती नहीं लड़कियाँ, फोटो लेते रहे, मेरे ही फोटो बराबर लेते रहे। यहाँ अकेले ही बातें करते हो फिर? कोई बात करने के लिए नहीं नहीं आता। येल विश्वविद्यालय पुरातत्व विज्ञानिका द्वारा एक जांच की गई थी, उस जांच के बीच पता लगता है कि 6.5 करोड़ साल पहला जेडे साडे पूर्वज सीगे वो पेड़ा दे उत्ते रहिंदे सीगे। पर एक होर तस्वीर जिहड़ी है तुहानू दिखाना चाहवांगा, 6.5 करोड़ पहला बेचक साडे पूर्वज पेड़ा ते रहिंदे सीगे, पर अज दी तस्वीर भी दिखा दिंदा। एक शख्स वल्लों एक पेड़ ते घर बनाया गया, तस्वीरां तुहानू दिखा दिंदे, उस तो बाद गलबात भी इहनां दे नाल करांगे। पर हालांकि देखण दे विच इही मिलदा कि अज कल पेड़ां नू कट्टिया जा रिहा हर एक जगह, जिथे भी पेड़ लगे हुंदे सीगे या फिर जंगल सीगे उन्हां नू कट के सोसाइटियां बनाईयां जा रही ने, इंडस्ट्रीज बनाईयां जा रही ने, जिस करके पॉल्यूशन भी काफ़ी फैल चुके है, ते नाल ही कई समस्यावां भी जड़ियां ने वो पनप रही ने। पर यह घर थानू दिखा दें, पेड़ के उत्ते घर बनाया होया, तो जंगल दे विच घर हैगा, तो आले दुआले देख सकते हो कि सारा एरिया जिहड़ा हैगा ग्रीनरी तुसीं देख सकते हो, सारी जगह हैगा, नाल पानी का झरना भी हैगा। तो गलबात कर लें इन दे नाल के की सोचा सी इन्होंने, कदों तो ये पेड़ के उत्ते घर बना के रह रहे हैं, तो गलबात कर लें। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं नरेश नाम है जी। नरेश जी आज नीचे आज आपसे बात करनी है। आप कितने साल पहले ये आपने घर बनाया था और क्या सोच कर बनाया था? मैंने खराब इसमें टाइम कटेगा, मतलब बारिश आती है इसमें बच जाते हैं, मतलब वो मतलब जानवर का भी मतलब बचाव है इसमें। तो इससे पहले कभी ऐसे रहे हो घर बना के पेड़ पर या फिर यहाँ पर आकर ही बनाया? क्या सोच कर ये नरेश जी बनाया आपने? मैंने ये सोच के बनाया, मतलब रात में ड्यूटी देता हूँ मैं। अच्छा, कोई जानवर आते हैं, जंगली जानवर सुअर हैं, वो आते हैं, उससे डर भी है, मतलब वो आदमी हमला भी कर देते हैं, तो उस बचा के मतलब ये बनाना पड़ता है। इस चक्कर से रात की ड्यूटी है मेरी, इस चक्कर से। तो पिछले कितने सालों से इसमें रह रहे हो आप? यहाँ मतलब 4 साल मुझे हो गई। 4 साल से इसी में रह रहे हो? इसी में रहता हूँ। खाना पानी कहाँ खाते हैं? खाना पानी मतलब 95 सेक्टर में, बच्चे वहाँ पर हैं, वो कमरा है वहाँ। और आप यहीं पर रहते हो पिछले 4 साल से? 4 साल। तो कभी कैसे दिमाग में ये बात आई कि ऐसे पेड़ के ऊपर घर बनाना चाहिए? दिमाग में ये बात है, मतलब पेड़ है इसमें कोई ताकत है पूरी, हवा से जल्दी गिर नहीं सकता, ये इस चक्कर से बनाना पड़ा। आंधी तूफान रहा चलता है तो उसमें कोई बचाव है, ये जल्दी गिरेगा नहीं। अगर जब 4 साल हो गए आपको यहाँ पर, अपने घर जाते होगे, गांव में जाते होगे? हाँ, गांव में। तो उस टाइम जब आप घरों में रहते होगे, यहाँ पर सारी हवा जो है फ्रेश हवा है, हाँ, मतलब वहाँ पे घर में जाते होंगे, शहरों में जाते होंगे, तो वहाँ पे कैसा गर्मी लगती है? वहाँ पर यहाँ मतलब सुकून है, जंगल में वहाँ जाके मन लगता है, यहाँ पर मन लगता है, मन लगता है हमारा जंगल में, अकेले खुली हवा आती है, अकेले हैं, अपने कोई टेंशन नहीं किसी बात की, पेड़ बूटा देख रहे हैं, हरे हैं, हवा चल रही है, सब तरह की हवा आ रही है, हमें सुकून है। कभी कभार रोटी मान लो कि नहीं आपको मिलती खाने के लिए, तो आसपास ही भी खाते हैं हम मंगा के। अगर अगर रोटी नहीं है आपके पास तो कोई और चीज़ भी है जो यहाँ से आप? और चीज़ कोई नहीं है इस टाइम। तो किस तरह से ये सोचा आपने, 4 साल से यहाँ पे रह रहे हो आप, बारिश में, ठंड में, ठंड में परेशानी नहीं होती? ठंड में कोई मतलब है? परेशानी तो है, मतलब ठंड लगती है, पर कपड़ा लेकर आते हैं घर से तो उसका मतलब यूज करते हैं।
तो लिहाफ है अंदर रखा हुआ है हमारे पास। हाँ जी, लिहाफ भी है इसमें। अच्छा, तो कितना टाइम लगा था इसको बनाने में? कैसे ऐसा मतलब लग गए? 2 दिन लगे थे इसको बनाने। 2 दिन लग गए थे बनाने। कितने पैसों में बन गया था ये? ये बन गया करीब 5000 रुपये लग गए इसे। तो कैसे आना हुआ यहाँ पर? कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? मतलब काम करने आए थे हम बाहर, मतलब पंजाब के लिए निकले, अपने में पेट मतलब पालन करेंगे बाहर जाके। तो यहाँ कंपनी, हमारे भाई भी काम करते हैं इस कंपनी में, तो उन्होंने हमें बुलाया। तो इस कंपनी हमारी मतलब डायरेक्ट ड्यूटी यहीं पर लगाई, चौकीदारी की, रात की ड्यूटी। पहले दिन की लगी थी, फिर रात में नाइट कर दी मेरी, दिन में बच्चों की लगाई थी यहीं पर, मेरी घरवाली की, उसकी भी ड्यूटी यहीं थी, उसकी दिन में थी, मेरी रात की करी। हाँ, शुरू में मतलब पहले दिन में मैं ही लगा था, फिर यहाँ पर मतलब आ गए हम, तो फिर मतलब दिन की उसकी कर दी, रात की मेरी ड्यूटी करी। अब ड्यूटी रात की नाइट मैं ही करता हूँ। अच्छा, तो आपने बोला कि आपकी घरवाली भी बेस, आपका काम क्या है असल में? आपके चौकीदारी करते, किस चीज़ की चौकीदारी? मतलब ये पेड़ बूटा है हमारे, कोई तार बार नहीं खोले, कोई जानवर नहीं अंदर नहीं आए इसमें। ये है अमरूद के पेड़ भी है, इसकी देखवारी है, और ये मतलब पेड़ बूटा सब लग कंपनी का ही माल है, ये सब सारी जमीन उसकी पेड़ बूटा है। तो आपने बोला 2 दिन लगे, उससे पहले जब आपको बोला कि यहाँ पे नाइट ड्यूटी करनी है, रात की ड्यूटी करनी है, तो कैसे सोचा आपने? क्योंकि यहाँ पे कुछ रहने के लिए था नहीं, था और नहीं, जंगली जानवर भी यहाँ पर घूमते हैं। जंगली जानवर तो थे, मतलब इसी चक्कर थी, मतलब देख के बनाने पड़ा हमें कि जानवर हैं यहाँ। पहले दिन में थी हमारी, मतलब दिन में हमने जानवर देखा यहाँ तो हमें डर लगा, फिर हमने उन्होंने हमारी ड्यूटी रात की कर दी, तो फिर हमने बनानी पड़ा ये। तुम रात में पैसे बचा करेंगे तुम इस समय। उन्होंने भी आकर देखा अपने ये बना रखा है, तो उन्होंने क्या बोला? बढ़िया, सही है। कभी ऐसा हुआ कि जंगली जानवर, कौन कौन से बड़े कोई जानवर भी? मतलब सुअर होते हैं, जंगली सुअर वो निकलते हैं, और नील गाय हैं, गाय भी हैं, मतलब सभी यहाँ में निकलता है। तो रात में तो नील गाय वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं? नहीं, यहाँ नहीं आती हैं, तो मतलब बंद कर देते हैं गेट हम, मतलब इधर से निकल जाती हैं, उधर नहीं आती हैं। तो यहाँ पर पानी पीने आती हैं? हाँ, पानी पीती हैं। जानवर भी जंगली सुअर इसमें पानी पीता, लौटता है इसमें, नहाता है। तो जब आपकी वाइफ की अभी भी होती है यहाँ पे घरवाली? नहीं, इसकी ड्यूटी मतलब तो वो घर पे ही है इस टाइम। अच्छा, मेरी ड्यूटी है रात की नाइट। तो पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे हो? हाँ, ही रह रहे हैं। अकेले ही बस खाना खाने जाते हैं, बस खाना खा कर पी ही है यहाँ पर। ना आज के ज़माने की बात करें तो स्मार्टफोन चल पड़े हैं, टीवी, स्मार्टफोन, कई चीज़ें हैं टाइम पास करने के लिए। आपके पास कुछ है अंदर? हमारे पास कुछ जरूरी, हमारे मोबाइल ही बच रहेगा बस, यही इसमें अपने गाने सुनते रहते हैं बस, यही और कुछ नहीं। सिंपल फ़ोन है बस यही रखते हैं। तो पूरा दिन 24 घंटे क्या हाँ करते हैं? कितने बजे उठते हैं सवेरे? मेरा मतलब वो सोना ही क्या, 1 घंटे सोता हूँ, फिर नहीं तो रात और दिन जगता ही हूँ, बस थोड़ा सो लिया फिर जाग गया ऐसा। बस मेरी ड्यूटी रात की 9 से 5 बजे तक की सुबह। यहाँ अकेले ही बातें करते हो फिर? कोई हाँ, बात करने के लिए कोई नहीं, नहीं आता, अकेले अपनी बैठे। सवेरे कितने बजे उठ जाते हो? कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे उठ के फिर 3 बजे सोते हैं, मतलब रात के 3 बजे तक ड्यूटी देते हैं, जग के 3 बजे के बाद सोते हैं, फिर 5 बजे फिर उठ जाते हैं। तो कितना सुकून मिलता है यहाँ पर? सुकून पूरा भरपूर है यहाँ पर, मतलब खुली हवा है, छाया पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि मतलब पानी बदबू आती है थोड़ी, वो तो जब नाले पड़े तो वो तो मारेगी, तो सहन करना ही पड़ता है। और जब आप गांव में किसी को बताते हो, या कोई यहाँ पे गांव से आता है, या फिर कोई जानने वाला आता है और ये देखता है कि यार पेड़ों पे आज भी, तो 6.5 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज पेड़ों पे रहा करते थे, तो उसके बाद कोई ऐसे बोलता नहीं है कि नहीं कहते? मतलब आगे उसके फोटो खींचते हैं। अच्छा, तुम जैसे आते हैं फोटो खींचते हैं उसमें, मतलब लड़की आती है उसको मतलब सीन लेती हैं, फिल्म का भी सीन गया है यहाँ पर, काफ़ी गया है यहाँ से। अच्छा, फिल्म के एक्टर भी आते हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, कौन से फिल्म के एक्टर आए थे? आए थे अभी मतलब कुछ 2 महीने पहले आए थे यहाँ, तो वो मतलब बैठ के। कौन सी फिल्म थी ये तो पता ही नहीं, कौन पंजाबी फिल्म थी? पंजाबी फिल्म थी, तो वो आए यहाँ सीन के लेते रहे उसमें बैठ के, फिर यहाँ मतलब घूमते रहे, वो साइकिल लेके मतलब ये तेरी मेरे वाली ये इसमें साली घुमाते रहे, मतलब यहाँ नाच डांस करती रही लड़कियाँ, फोटो लेते रहे, मेरे ही फोटो बराबर लेते रहे वो। इससे पहले भी कोई आया? और पहले भी आते थे, आते हैं लोग, आते हैं। कौन कौन आता है यहाँ पे? मतलब जो ही ज़्यादातर तो मतलब ये कॉलेज के लड़के ज़्यादा आते हैं, वो बहुत मौज लेते हैं यहाँ। हाँ, अच्छा, कॉलेज के लड़के आते हैं बहुत, काफ़ी आते हैं। फिर वो यहाँ मतलब बैठ के मेरे पास, उसके बाद तब जाते 56 छुरी घूम के आते हैं उधर से यहाँ, मतलब काफ़ी मतलब
आते हैं तुम जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। यहाँ पे शूटिंग करने के लिए भी पढ़े लिखे सामान ज़्यादा आता है यहाँ पर, तो जब वो यहाँ पे देखते हैं तो हाँ वो देखते हैं कल बहुत अच्छा बनाया अंकल आपने ये, वो बैठते हैं मतलब उसकी हवा भी खाते हैं फिर बहुत हंसते हैं बढ़िया। चलो आप यहाँ रहते हो, एक संदेश क्या देना चाहोगे यहाँ पे आप रहते हो और अपने गांव में अपने शहर में जाते हो जब वापस या फिर यहाँ से शहर की तरफ जाते हो सामान लेने, तो इसमें और उसमें क्या अंतर लगता है आपको? अंतर यही है मतलब जब जाते हैं तो घूम धूप लगती है, यहाँ रहते हैं ठंड लगती है, यही है बस छाया में खड़े हैं। इतने एरिया में यहाँ पर ठंड लगती है मतलब ये पेड़ बूटे में घूमते रहते हैं, वहाँ पे जाते हो पॉल्यूशन भी काफ़ी हो चुका है, गर्मी ज़्यादा है क्यों, टीन वैसे कमरे पर तपन होती है तो अपन चैन नहीं पड़ता, वो खाना खा के बस एकदम भाग ही आते हैं अपने। तो बिल्कुल ते नरेश जी साढ़े नाल सी गलबात की है ते दे सब तो पहला पेड़ भी थोनू दिखाया सीगा उदे उत्ते घर बनाया है बड़ा सोहना घर हैगा, चार साल तो इधर रह रहे ने तो गलबात की है, कह रहे कि इधर ठंडा लगता है, अगर इधरों एक किलोमीटर अगे जाते हैं जंगल तो बाहर निकलते कह रहे उधर बड़ी गर्मी लगती है, इस करके ही अगर गलबात की जाए तो जेड़े भी अपना पेड़ा नू अपना ग्रीनरी नू प्यार करते हैं या फिर इनवायरमेंट प्रेमी जेड़े लोग ने वो हालांकि गल्लां ठीक कहते हैं कि आखिर क्यों जंगल कट्टे जा रहे हैं, क्यों दरख्त कट्टे जा रहे हैं, क्यों लगातार कट के इंडस्ट्रियाज लगाइया जा रही ने, सोसाइटियाँ बनाई जा रही ने, क्योंकि कितना कितने जोड़ा पर्यावरण है वह नुकसान भी हो रहा है, तो हवा जी अज के टाइम के बहुत पोल्यूटिड हो चुकी है, टैंपरेचर भी कई काफ़ी जोड़ा है पहले तो हाई रहन लग गया, तो जिस करके एक मिसाल ये भी बनया घर बड़ा सुकून हैगा कल है, हालांकि कोई समार्टफोन नहीं इन्हों को हैगा ना कोई टीवी लग्या होया फिर भी कल ने घर बनाया सोचा क्योंकि जंगली जानवर ने पेड़ के उत्ते घर बनाया, तो कह रहे कि सुकून बड़ा मिलता इधर, तो तमाम तस्वीर दिखाइया ने तमाम तस्वीरों को लैके तुम की सोचते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दसो। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के नाल स्क्रोल पंजाब टीवी मोहाली।